जो मतलब पर्टिकुलरली उनके लिए एडवाइस है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें, मतलब कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और कंसिस्टेंसी का मतलब मैं सिंपल बताता हूँ, जो आप एक दिन कर रहे हो वही आपको मतलब टाइम टू टाइम डेली करते रहना है। फॉर एग्जांपल रिविजन्स, मॉक टेस्ट, या आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी, और फाइनली जो आपको रिजल्ट्स है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। Hi and hello everyone, my name is Pranav and welcome to Carmine TV Toppers, an initiative by Unacademy. आज आपके सामने हूँ एक बहुत ही खास स्टोरी लेकर के। काफ़ी बच्चे इसकी कमेंट्स में डिमांड भी कर रहे थे, सो फाइनली वी हैव हाजिक हियर विद अस एंड ही इज़ फ्रॉम कश्मीर एंड विद ऑल इंडिया रैंक 10। सो सबसे पहले तो यार मोस्ट वेलकम विद Carmine TV Toppers। थैंक यू। ठीक है, सो पहले तो मुझे ये बताओ यार, कैसा महसूस हो रहा है? ये काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं भी पूछूंगा। हाँ, कैसा महसूस हो रहा है इस शानदार अचीवमेंट के बाद? बिल्कुल, मतलब काफ़ी सरप्राइज आफ्टर सीइंग कि ऑल इंडिया रैंक 10 है। लाइक स्कोर 710 है, ये पहले से एक्सपेक्टेड था, बट जैसे मैंने ऑल इंडिया रैंक 10 देखी, अब पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए, मैं भी काफ़ी खुश हुआ। सरप्राइज, शॉक, हैप्पीनेस, मतलब क्या क्या मैं बताऊँ, ब्लेंड ऑफ इमोशंस है ना। चलो, सो फाइनली अच्छा ये चीज़ बताओ सबसे पहले कि एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में सबको बताओ, कहाँ से हो, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, सब जानना चाहेंगे इसके बारे में। हाँ, तो मतलब मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो लोकल स्कूल से ही है अप टू 10th क्लास। फिर 11th 12th में मैंने कोचिंग ली, तो फिर फाइनली नीट मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक 10 एंड 710 मार्क्स आउट ऑफ 720। ओके, ग्रेट। तो यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये तो तुमने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि वाई मेडिसिन एज ए करियर, और कुछ क्यों नहीं? ये शुरुआत से ही तुम्हारे मन में था कि क्या हुआ ऐसा कि यही फील्ड तुमने चूज़ करी? पहले मतलब क्या था, मैं अराउंड 4th क्लास में था तो मेरी एक कज़न सेलेक्ट हुई थी इन MBBS। तो फिर उसके बाद फैमिली में ऐसा एक एनवायरनमेंट जैसा बन जाता है कि हाँ अब ये भी सिलेक्ट हुआ, तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पेरेंट्स का भी यही शौक था। और उसके बाद जब मैंने खुद भी फिर थोड़ा बहुत देखा आगे, तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखी, जस्ट लाइक पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन। तो कोई फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपकी वजह से खुश हो तो दैट्स अ प्राइसलेस मोमेंट। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं इंस्पायर हुआ, तो फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि डॉक्टर ही बनना है। ओके, सो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया और इतने शानदार रैंक के साथ तुमने क्रैक कर लिया, तो अभी दिल्ली में एडजस्ट कर लोगे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी सुंदर जगह से तुम आ रहे हो, है ना, करना पड़ेगा एडजस्ट। हाँ बिल्कुल। सो फाइनली एम्स दिल्ली, सो जैसा सबका ड्रीम कॉलेज होता है एम्स दिल्ली, क्या तुम्हारा भी ऐसा कोई कॉलेज स्पेसिफिक गोल था कि अब मुझे एम्स दिल्ली ही जाना है, है ना? कि ऐसे बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो लिखते हैं कि माई ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली, ऐसा तुम्हारा भी था? मतलब पहले इनिशियली जब मैंने 11th में स्टार्ट किया था तो मेरा यही टारगेट था कि जस्ट एक MBBS कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज जो GMC श्रीनगर है, मतलब टॉप कॉलेज हमारे स्टेट का। लेकिन फिर जैसे ही मैं पढ़ते गया, विद इन 3-4 months मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा हाई ड्रीम कर सकता हूँ। तो फिर मतलब अल्टीमेटली एक टाइम आया जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब एम्स दिल्ली ही जाना है। तो फिर जो हार्डवर्क वगैरह वो मैंने कंटिन्यूस रखी, तो फाइनली ये सब अचीव हो पाया। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा 710 स्कोर है, एक बार सब्जेक्ट वाइज ब्रेक कर दोगे? हाँ, 7 फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री में 175 एंड इन बायो 355 आउट ऑफ 360। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। तो सबसे पहले लोग यही पूछेंगे तुमसे, यार एक नंबर कहाँ, एक क्वेश्चन कौन सा चला गया? वो एनाटॉमी वाला गया क्या? हाँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो बायोलॉजी को पहले मैं स्प्लिट अप करता हूँ दो ब्रॉड पोर्शंस में। एक वो पोर्शन जो हेवीली कंसेप्चुअल पोर्शन है जिसमें समझना काफ़ी, जैसे फिजियोलॉजी के पार्ट्स हुए, जेनेटिक्स का पार्ट हुआ, है ना। एक वो पार्ट है जिसमें तुम ना चाहते हुए भी रटना बहुत पड़ेगा, है ना, ये एग्जांपल्स हुए एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी वगैरह। सो सबसे पहले मुझे अप्रोच बताओ कि तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था कंसेप्चुअल पार्ट को टैकल करने के लिए और इस रटने वाले पार्ट को टैकल करने के लिए। कंसेप्चुअल पार्ट जैसे फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स है, उसमें जो मेन सोर्स होता है वो होते हैं क्लास नोट्स और लेक्चर्स, ऑब्वियसली उन्हीं को आपको काफ़ी अच्छे से समझना है, क्योंकि आप कोई भी बुक उसमें पढ़ेंगे या आप NCERT उसमें मतलब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो खुद आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा वैसे। तो क्लास नोट्स आपको अच्छे से करने हैं, लेक्चर्स, और फिर उनमें आपको अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक भी सॉल्व कर सकते हैं कोई,
और फाइनली जब आपको मतलब पूरा जो चैप्टर है वो दिमाग में आपके, तो उसके बाद आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ भी आएगी और याद भी रहेगी। और कंसेप्चुअल पार्ट में ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा मतलब रटना नहीं पड़ता है, सब हो जाता है आराम से। और जो ये है मतलब फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी है, एनिमल किंगडम या इकोलॉजी, ऐसे चैप्टर्स, तो उसमें मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेक्चर्स तो आपको अटेंड करनी है, लेकिन उसके अलावा मेन फोकस जो उसमें आपका रहना चाहिए एनसीईआरटी अलोंग विद ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स भी काफ़ी ज़्यादा उसमें सॉल्व करने और सिंपली मतलब हो जाता है आराम से, 5-6 रिविजन उसके आप कीजिए तो आराम से याद रह जाता है वो। ठीक है, याद रहने की तुमने बात कही, तो यार एक चीज़ बताओ, ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन सामने आता है कि यार याद कैसे करें, मुझे याद नहीं हो रहा है, ये एग्जाम्पल मैं भूल जा रहा हूँ, एग्जाम में जा रहे हैं, स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो इस तरह की प्रॉब्लम कैसे टैकल करने का सोल्यूशन क्या है तुम्हारे पास? मतलब सिंपल सोल्यूशन है मोर एंड मोर रिविजन्स, जितने ज़्यादा आप रिविजन्स करें, या लाइक मॉर्फोलॉजी में उसमें आप फॉर एग्जाम्पल कुछ कोट्स भी बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, अभी मुझे पूरा याद नहीं आता है, MCB मतलब पढ़ा होता है मैनेजर सर्किट ब्रेकर, MCB, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए। अब बाकी जो मैं कहूँगा मोर एंड मोर रिविजन्स आराम से याद हो जाता है, कोई शॉर्टकट हैक नहीं है ऐसा अलग से? नहीं ऐसा नहीं, मल्टीपल रिविजन्स अल्टीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं बायोलॉजी को लेकर के बुक लिस्ट की बात करूँ तो क्या प्रेफर किया तुमने, एनसीईआरटी की बहुत बाहर बाहर का कंटेंट क्या पढ़ा तुमने बायोलॉजी में? हाँ मतलब 11th में अगर मैं कहूँ तो मैं क्लास नोट्स और कोचिंग मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी, बाद में फिर रिग्रेट करना पड़ा उस चीज़ पे। लेकिन मैं ये कहूँगा क्लास नोट जो है वो आप काफ़ी अच्छे से कीजिए, क्योंकि उनसे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसके जस्ट बाद एनसीईआरटी, मतलब सीधा आपको याद करनी है लाइन बाय लाइन, पूरी पिक्चर आनी चाहिए एनसीईआरटी की आपके दिमाग में। और उसके अलावा बायो में मैंने एक ऑब्जेक्टिव बुक भी सॉल्व की थी, ऑब्जेक्टिव बायो नीट, तो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस मिलती है आपको, और क्वेश्चंस लाइक एसर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप, वो क्वेश्चन भी उस बुक पे थे, और फाइनली एग्जाम में भी हेल्प हुई इस चीज़ से। ठीक है, तो ओवरऑल तुमने एनसीईआरटी, पहले तुमने बाहर के भी कंटेंट को एक्सप्लोर किया, मुझे एक चीज़ बताओ यार, ये जो बच्चे बायोलॉजी में मान लो जैसे कुछ जगहों पर ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ना किसी भी सेंस में फ्रूटफुल हो सकता है क्या, ये मुझे बताओ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैंने रियलाइज़ किया कि जस्ट एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th में मैंने कुछ चैप्टर्स में जस्ट क्लास नोट्स बनाए, फिर रिवाइज ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था आना ही नहीं है वहाँ से, जस्ट क्लास में अच्छे से समझा तो एनसीईआरटी याद कर ली। जैसे इकोलॉजी में उसमें मैंने फॉर एग्जांपल एक वर्ड भी बाहर का नहीं पढ़ा इकोलॉजी, जस्ट एनसीईआरटी और मतलब क्लास में अच्छे से समझाए, तो जनरली बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है कि भले नोट्स बनाए मगर देखा नहीं तुमने। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू एनसीईआरटी इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ तो अगर मैं नोट्स मेकिंग पे आता हूँ तो यार देखो काफ़ी बच्चे जब नोट्स लिखते हैं तो लिखते लिखते इतना लिख जाते हैं कि जब रिवीजन की बात आती है तो कैसे रिवाइज करें ये बहुत बड़ा सवाल रह जाता है ना। तो नोट मेकिंग के लिए जब हम रिवीजन के भी बात को इंक्लूड करेंगे तो कोई हैक है क्या कि शॉर्ट नोट्स बना लें या एनसीईआरटी पे नोट्स लिख लें या फ्लैश कार्ड्स बना लें, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स आती हैं आजकल, तो तुम्हारा क्या अप्रोच रहता था कि जैसे फटाफट रिवाइज हो जाए सब कुछ? बायो में मतलब मेरा उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता था, जस्ट क्लास नोट्स जो टीचर बोर्ड पे लिखाते थे तो मैं वही नोट आउट करता था, तो फिर सिंपली मैं वही रिवाइज करता था। लेकिन एक बात जो मैंने टूवर्ड्स द एंड की, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का कोई चैप्टर है उसमें एक चैप्टर में ज़रूर 5-10 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको भूल जाते हैं, तो मैंने एक प्लेन शीट लिया था, उन 5-10 पॉइंट्स जो है वो मैंने उस पेज पे नोट डाउन किए और उसी चैप्टर में रखे, तो कल जब मुझे उस चैप्टर का टेस्ट देना था मैंने जस्ट वो 5-10 पॉइंट्स रिवाइज किए और बाकी का चैप्टर याद दिया, तो ये एक अप्रोच थी मेरी बायो में। मतलब बेसिकली जो भूल रहे उसको अलग कर लिया है ना, सिंपली जो याद है वो तो सेट ही है, वो तो याद है। ठीक है, बहुत बढ़िया अप्रोच है तुम्हारा इसको लेकर के। अब अगर मैं आता हूँ प्रैक्टिस वर्सेस थियोरी इन बायोलॉजी, पेपर को 3-4 महीने बचे हैं, तुम्हारा सिलेबस होपफुली काफ़ी पहले हो चुका होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। बाकी मैं प्रैक्टिस वर्सेस थियोरी बोलूँ तो बायोलॉजी रिवाइज कैसे करते थे, बार बार एनसीईआरटी पढ़ के कि खूब सारी प्रैक्टिस करके कि दोनों क्या करते थे? मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा रिविजन्स करता था, प्रैक्टिस भी मैं करता था बट उतनी ज़्यादा हैवी नहीं, लाइक 30 क्वेश्चंस डेली किए, 40 क्वेश्चंस डेली किए, बाकी जो मेरा मेन फोकस रहता था वो जस्ट रिविजन पे रहता था, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करने का। ठीक है, मल्टीपल एनसीईआरटी रिविजन्स, ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो मेरे हिसाब से बायोलॉजी में हमने हर एस्पेक्ट को कवर करा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिजिक्स के ऊपर, तुमने फुल ऑन स्कोर किया है फिजिक्स में, और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब बच्चा 10th से 11th आ रहा होता है तो वो इसलिए भी
क्या बोलते हैं, थोड़ा डर डर सा रहता है उसके मन में, है ना। एक तो मैथ से ऐसे खौफ, तो बायोलॉजी ले ली, जनरल जो नोशन है लोगों के दिमाग में। तो फिजिक्स थोड़ा परेशान करती है, हॉन्ट करती है एक तरीके से। तो पहले ये बताओ, तुम्हारे मन में कभी ऐसा डर था फिजिक्स को लेके? मतलब फॉर एग्जांपल हर कोई ऐसा बोलता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि नहीं, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि फिजिक्स मेरा वीक ना रहे, मतलब इतना ज्यादा मैं पढ़ ही लूंगा। तो शुरू से सॉर्टेड थे इसको लेकर के, मतलब माइंड सेटअप ऐसा ही था पहले। ठीक है, तो पहले तो फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट को लेकर के, कि कौन सी बुक्स तुमने फॉलो करी फिजिक्स में। अब फिजिक्स में तो सबसे मतलब बेसिक कोचिंग मटेरियल वगैरह रहता है, तो उसके अलावा मैंने HC वर्मा सॉल्व की थी फिजिक्स में। ठीक है, और DC पांडे जो नॉन मेडिकल की आती है, JEE वाली सॉल्व की थी। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बुक्स मैंने मतलब कम्प्लीटली सॉल्व की थी। इसके अलावा भी मैंने मतलब बुक्स सॉल्व की थी, फॉर एग्जाम्पल किसी बुक से कोई पर्टिकुलर चैप्टर, या फॉर एग्जाम्पल डी मुखर्जी करके एक बुक आती है, वो मैंने जस्ट 11th के लिए सॉल्व की थी, या बाकी चीज़ें। उसके अलावा JEE मेन एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने किए थे फिजिक्स में। ओके ओके ओके, तो मतलब ये जो मेन तुमने बुक्स बताई, DC पांडे हुई, JEE वाली, HC वर्मा हुई, HC वर्मा फॉर थियोरी और फॉर प्रैक्टिस? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए। थियोरी मैंने वहाँ से नहीं की। अच्छा, जस्ट प्रैक्टिस। और बाकी अपने कोचिंग के जो भी मटेरियल थे उसको फॉलो किया। ठीक है, NCERT को लेकर के अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में, क्या इंपॉर्टेंस है NCERT? हाँ, NCERT मतलब फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट होता है फिजिक्स NCERT, कोई नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स बिल्कुल बताते ही नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर एक टॉपिक है फिजिक्स में, उसमें जैसे ऐसा एक पॉइंट दिया, अगर आपको एरर जो है अगर आपको मिनिमाइज करनी है तो बैलेंस लेंथ अराउंड 50 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो ऐसा पॉइंट मैंने कभी सुना नहीं है किसी टीचर वगैरह से, या जब मैंने, तो ऐसा पॉइंट NCERT से निकल के डायरेक्ट फिर नीट में आता है। तो ऐसे पॉइंट्स आपको NCERT से जस्ट बाहर निकालने और अपने नोट्स या शॉर्ट नोट्स पे जस्ट मेंशन करने, ताकि फिर वो अच्छे से रिवाइज हो पाए। मतलब NCERT रीडिंग इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है। लाइक देखिए, 11th में दो पार्ट है, जो पहला पार्ट है उसकी ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैंने NCERT रीडिंग नहीं की थी, जस्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी। ठीक है, लेकिन जो पार्ट टू है 11th का और फुल 12th की पार्ट 1 और 2, वो मैंने अच्छे से रीड किया जस्ट वन टाइम, लेकिन उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने निकाल लिए, फिर मैंने वही पॉइंट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किए। बहुत बढ़िया, तो तुमने काम की चीज़ें निकाल ली और बस। फर्स्ट पार्ट 11 का थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है वैसे, तुमने पढ़ा था वो कभी? असल में मतलब कंसेप्चुअल ज़्यादा है उसमें, ज़्यादा ये याद करने की चीज़ें, मैकेनिक्स वाला पार्ट लगता है ना। ठीक है, ओके डन। इसके बाद अगर मैं आता हूँ इसमें NCERT एक्सरसाइज और NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के, तो अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग XYZ बुक्स इन फिजिक्स, क्या इस पार्ट को भी तुमने उतनी ही इंपॉर्टेंस दी NCERT के एक्सरसाइजेस और इन टेक्स्ट को? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, बट टुवर्ड्स द एंड एग्जाम में जस्ट आई थिंक 1 month रहा था, बट जो बैक एक्सरसाइज है वो मैंने सॉल्व नहीं की थी ऑनेस्टली। अच्छा, ये बहुत अच्छा तुमने ऑनेस्टली आंसर्स दो बिल्कुल से। तो बैक एक्सरसाइजेस नहीं हुई थी, बट इनटेक मतलब एक बार कंसेप्चुअली आ गया तो बन भी जाएगा वो कोई बड़ा डील नहीं है। और उसमें क्या रहता है कि एक तो लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए होते हैं और काफ़ी हेक्टिक कैलकुलेशंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन नीट में आते नहीं। थोड़ा आलस किया तुमने इसमें, तो इसीलिए मैंने वो स्किप किया। चलो कोई बात नहीं, बट इतना शानदार स्कोर ऐसे ही आ गया है ना, कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो काम बन जाता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ फिजिक्स रिवीजन को लेकर के। तो तुमने जैसा कि नोट्स के बारे में बताया कि तुम जो गलत जो चीज़ जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे NCERT एक्स्ट्रा, क्या जो छुपे हुए पॉइंट्स थे उनको निकाल के तुम नोट्स पे लिखा करते थे, उसको छोड़ करके कोई फार्मूला शीट का रिकमेंडेशन या कुछ फार्मूले नहीं याद हो रहे हैं उसको लेके कोई रिकमेंडेशन फिजिक्स में? हाँ, मतलब जब एग्जाम में अराउंड 8 months रहे थे तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले ही चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया था। तो मतलब शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है, जस्ट आपको फार्मूला नोट करनी है एक चैप्टर की, और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी इन शॉर्ट नोट्स पर, सच दैट कि एक चैप्टर जस्ट 1 or 2 पेजेस पर आ जाए। तो ऐसे ही मैंने पूरा फिजिक्स में किया था। अच्छा, तो उसके बाद मैं जस्ट वही शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, फिर जो मैंने एक चीज़ है छोटी सी कि कुछ बच्चे ना यार शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते शॉर्ट नोट्स भी लॉन्ग हो जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम होती है शुरुआत में। हो सकता है यार बच्चे 11th में काम शुरू किया और हो जाता है गलती, तो इसको लेकर ये कोई स्पेसिफिक सजेशन कि यार कैसे शॉर्ट नोट्स को एक्चुअली शॉर्ट रखा जाए? मतलब ये जस्ट मैंने जैसे कहा जैसे जस्ट फार्मूला नोट करना है और कोई कोई पॉइंट जो मतलब निकालना है आपको नोट से, और फॉन्ट साइज भी छोटा रखना है, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। ओके, और मतलब फिजिक्स में जस्ट फार्मूलाज दोज़ आर एनफ राइट। ठीक है, तो इस पार्ट को हम यहाँ रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, फिजिक्स में जब हम प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है, तो मान लो मैंने एक मॉक देना शुरू किया फिजिक्स का, है ना, अब मैंने पहले 2 क्वेश्चन किए, मैं 3rd पे अटक गया, है ना, बड़ा टफ प्रॉब्लम था, बन ही नहीं रहा, मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आ गया। अगले क्वेश्चन पे आप फॉर्मूला भूल गया, ठीक है,
उसके अगले पे आया एक इतना खतरनाक, मतलब थोड़ा सा मेंस जेई मेंस से ऊपर लेवल पे चला गया नीट का एक क्वेश्चन। अब तीन क्वेश्चन लगातार मेरे बने नहीं है, कॉन्फिडेंस खत्म है। अब बाकी पेपर कैसे अप्रोच करें, क्या ऐसा सिचुएशन कभी तुम्हारे साथ आया, और अगर आया तो तुमने इसको टैकल कैसे किया? फॉर एग्जाम्पल, हाँ कभी कभी आता था कोई एक क्वेश्चन बीच में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से नहीं होता था, तो सिंपली जस्ट मैंने क्वेश्चन वहीं पर रखा, मैं आगे बढ़ता गया। इन केस दो तीन क्वेश्चन ऐसे लाइन में हो तो वो डिलिबरेटली एग्जामिनर वैसा करता है, क्योंकि आपको मतलब पैनिक सिचुएशन में डालने के लिए। तो अगर दो तीन क्वेश्चन ऐसे मिल रहे तो आपका माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि हाँ आगे का पेपर जो है वो आसान होगा। उसके बाद जब आप 5-6 क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस फिर अपनी जगह वापस आएगा, और लास्ट में आप वो क्वेश्चन फिर आराम से कर सकते हैं। ओके, तो ये अप्रोच तुमने सही से बताना शुरू से था कि इवेंचुअली डेवलप हुआ, बिकॉज 11th में जब बच्चा आता ना तो यार परेशान हो जाता है फिजिक्स से करते करते, डर बैठ जाता है उसके मन में कि हम कैसे करें, है ना। तो ये शुरू से था कि इवेंचुअली तुम्हारा डेवलप, इवेंचुअली मतलब जैसे सुनते गए, फॉर एग्जांपल टीचर्स की बातें या बाकी इंटरव्यूज टॉपर्स वगैरह के, तो फिर मैंने भी यही चीज़ अप्लाई की। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो फिजिक्स को लेकर के हमने काफ़ी एक्सटेंसिव बातें करी, हमने प्रैक्टिस को लेकर के बातें करी, हमने थियोरी को कहाँ से पढ़ा उस पर बातें करी। अब आते हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स को लेकर के एग्ज़ाम टाइम फ्रेम से करीब 1-2-3 महीने पहले, ठीक है, इस टाइम पर क्या करते थे ज़्यादा प्रैक्टिस की बार बार फॉर्मूला रिवीजन, क्या करते थे फिजिक्स में? फिजिक्स में मैं दोनों चीज़ें कर, जैसे मैंने बताया मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो जस्ट शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर के उसमें जस्ट 15-20 मिनट्स लगते थे, और जस्ट मैं आता था क्वेश्चन सॉल्विंग पर, तो ये चलता था फिजिक्स में उस टाइम पे, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी दे रहा था तो वहाँ से भी फिजिक्स की प्रैक्टिस हो जाती थी। ओके, तो मॉक टेस्ट प्लस जो फॉर्मूला कॉपी थी उसका रिवीजन, ये लास्ट फ्रेम में चल रहा था बिल्कुल, ठीक है। ओके डन, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अब फिजिक्स की बात रखते हैं, हमने बायोलॉजी पे बात करी, फिजिक्स की बात करी, प्रिपरेशन में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स पे चलते हैं, ठीक है। बट एक सिप चाय भी जरा सा हो जाए, ठीक है, नहीं लोगों को लगेगा ऐसी हमने रखी हुई है, ठीक है, तो एक सिप बिल्कुल से लो। और हाँ, तो मैं आता हूँ अगले एस्पेक्ट के ऊपर। तो अब देखो, प्रिपरेशन फ्रेम की बात करूँगा तो हर बच्चा काफ़ी अप्स और डाउन्स फेस कर रहा होता है, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एन नंबर ऑफ कॉजेज़ की वजह से बैकलॉग भी बन जाता है, और तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा है, तो ये भी रहता है कि काफ़ी बच्चे 12th में आके कहते हैं यार हमने 11th में चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, हमने ये गड़बड़ी कर दी, है ना। तो कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है और वो दिमाग में बैठा रहता है कि यार एक बार इसको और पढ़ लेना चाहिए, फिर धीरे धीरे बच्चा टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस में चला जाता है। तो क्या कभी ये चीज़ फेस किए थे, ये बैकलॉग वाली चीज़ तुमने फेस करी थी क्या? हाँ बिल्कुल, 11th में मेरे मतलब कुछ चैप्टर्स बैकलॉग रहे थे, क्योंकि 11th में मतलब माइंड उतना मैच्योर नहीं होता कि आप हर कोई चीज़ परफेक्टली मैनेज करें। लेकिन जैसे ही 11th का सिलेबस हमारा ख़त्म हुआ तो मैंने वो पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जो एज बैकलॉग रहे थे मेरे, तो उसके बाद मतलब मैंने जस्ट उन्हीं का फिर रिविज़न किया, क्योंकि यहाँ से सिलेबस पूरा कम्प्लीट था और वहाँ से हमारा बोर्ड एग्ज़ाम भी था। हमारा मतलब असल में जम्मू एंड कश्मीर में नवंबर या दिसंबर में बोर्ड होता है, अच्छा हमारा मार्च में नहीं होता, तो वहाँ से मुझे वो बेनिफिट भी मिला था, तो मैंने वो चैप्टर्स उसी टाइम फ्रेम में रिवाइज़ किया। उसी टाइम पे पूरा बैकलॉग कवर नहीं हुआ, जब 12th भी स्टार्ट हुआ इन इनिशियल 2-3 मंथ्स ऑफ क्लास 12th जो फिर भी पार्ट रहता था वो मैंने उस टाइम पे कवर किया, क्योंकि इनिशियली उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है मतलब जब आप नई क्लास में जाते हैं, तो ऐसे मैंने अपना बैकलॉग कवर किया था। ओके ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हम इंक्लूड करते हैं इसी प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में, जो मेरे पास अप्स हैं डाउन्स हैं, यानी कि हर बार हम अपना मतलब बेस्ट देने चाहते हुए भी हम बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कभी कभी डाउन वाले फेजेज आते हैं जब गंदे स्कोर आ रहे हैं, है ना, कभी पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, किताब खोल के बैठे हैं बस खोल के ही बैठे हैं, ऐसा कभी होता था तुम्हारे साथ? हाँ बहुत बार बहुत बार होता था। तो अब सच सच बताना यार इसको टैकल कैसे करते हैं, काफ़ी बच्चों के मन में ही आता है और जनरली काफ़ी बच्चे इस चीज़ को फेस भी करते हैं, तो इसको टैकल कैसे करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल मतलब कभी मैंने टेस्ट दिया है, कभी मेरा स्कोर 640 तक भी गया, मतलब परफेक्ट प्रिपरेशन करके भी, लाइक उस सिचुएशन में यही मैं सोचता था मतलब कोई ना कोई गलती हुई है मेरे से। उसके बाद में जो मॉक टेस्ट था वो मैं अच्छे से एनालाइज करता था, जस्ट मैंने कभी कैलकुलेशन एरर की होती थी या कभी नॉट करेक्ट को करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती थी, और इसके अलावा जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड था वो अच्छा था। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियसली काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे, तो मैं वहाँ से मोटिवेशन लेता था कि हाँ मतलब इससे पहले भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया तो मैं आगे भी कर सकता हूँ, और ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से ही थी कि कोई जर्नी परफेक्ट नहीं है, जब तक अप्स एंड डाउन्स ना हो तो वो जर्नी नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही तुमने, कभी डाउन आया तो हाँ जितना डाउन आया उतना ही ज़्यादा अब अप भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इलास्टिक रिकॉयल जैसा है ना, नीचे जाओगे तो फिर उछल के ऊपर भी जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही तुमने और बड़ा अच्छा अप्रोच है जेन्युइनली, ठीक है।
अच्छा, इसमें ये भी एक फ्रेम रहता है, ये तो चलो तुमने एक बात कही, लेकिन फिर भी यार काफी बार ऐसा भी होता है ना, किसी दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए है ना, तो भी लगता है कि यार इसके तो पिछले में कमा रहे थे, अब मेरे से ज्यादा ले आया। ये चीज प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में कैसे अफेक्ट करती है खुद को? और इसके साथ साथ एक और चीज इसमें इंक्लूड करना कि काफी बार ऐसा भी होता है ना कि घर वाले भी और कभी कभी अड़ोसी पड़ोसी भी बोल के चले जाते हैं कि यार तुम्हारे उस टेस्ट में तो, मतलब अगर उनका भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, तो ऐसे भी फेसेस आते हैं, तो ऐसी चीज़ों को कैसे डील किया जाता है? हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल कभी फ्रेंड्स के ज़्यादा मार्क्स है अपने से, तो वो चीज़ तो फिर आपको फोर्स करती है ज़्यादा हार्ड वर्क करने पे, तो वो चीज़ मैंने की। मतलब फॉर एग्जांपल इनके ज़्यादा रहे तो नहीं, इन्हें पीछे छोड़ना ही है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे दोस्त सुन रहे होंगे। बिल्कुल। बाकी आपको घर वाले बोले या कोई अड़ोस पड़ोस बोले, वो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना है आगे। चलो, बड़ा अच्छा अप्रोच है कि तुमने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है ना, और कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, हमेशा इसको बैलेंस रखा कि हाँ मैं कर लूँगा है ना, और अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात की। ठीक है, तो अब हमने दो सब्जेक्ट से बात करी, अप्स डाउन से बात करी, बैकलॉग से बात करी, अब एक थोड़ा सा एक और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उस पर भी चले जाते हैं हम लोग। बिल्कुल, ठीक है, तो केमिस्ट्री को स्प्लिट अप करते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में, और शुरुआत करते हैं इनऑर्गेनिक से। और सबसे पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक को लेकर कि यार याद नहीं हो रहा कि याद कैसे करें इसको, इतना सब याद करना, इतने फैक्ट्स हैं, क्या मैनेजमेंट तुमने तरीका रखा इसको लेकर के? याद करने का सिंपल, फिर से सेम आंसर, मल्टीपल रिविजन्स। तो इनऑर्गेनिक में क्या था, मैंने जब क्लासेस में देता था तो क्लास नोट्स में अच्छे से बनाता था और उनका रिवीजन में अच्छे से करता था। उससे क्या हुआ, उससे जो एनसीईआरटी रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हुई। ओके, तो मैंने एनसीईआरटी के भी मल्टीपल रिवीजन्स किए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऑर्गेनिक में किया, मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए। ओके, हाँ, तो उसमें मैं हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई पॉइंट कवर करता था विद वेरी स्मॉल फॉन्ट साइज। अच्छा, तो उससे जस्ट हमारे शॉर्ट नोट्स ये हो गए कि तुमने फॉन्ट छोटा कर दिया। आई थिंक, हाँ, बाकी ओके, ऑलमोस्ट सब इंफॉर्मेशन रहती थी उनमें, जस्ट 2-3 पेजेस में पूरा चैप्टर आ जाता था। अच्छा। तो फिर उन्हीं शॉर्ट नोट्स के मैंने काफी ज्यादा रिविजन्स किए। अच्छा, तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी इनऑर्गेनिक में। ओके, सो जो भी बच्चे यहाँ ये खोजते आए कि आज ये बताएगा एक ऐसी सीक्रेट तरीका जिनकी इनऑर्गेनिक याद हो जाए, वैसा कुछ नहीं है यार, मेहनत का मेरे हिसाब से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मल्टीपल 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 रिविजन्स अल्टीमेट सॉल्यूशन है, राइट? ठीक है, तो इनऑर्गेनिक को लेकर के अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ, एनसीईआरटी छोड़ के और कुछ? जस्ट एनसीईआरटी और कोचिंग मटेरियल से मैं जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करता था। क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। आते ऑर्गेनिक के ऊपर, ठीक है, तो ऑर्गेनिक क्या अप्रोच रहा इन जनरल, बताएं। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक का, तो हम एकदम ईगरली जानना चाह रहे हैं, फिर बताओ। जो इनिशियल रहता है ऑर्गेनिक में, लाइक नॉर्मन क्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म वगैरह, वो तो काफ़ी सही गया था, लेकिन जस्ट जब रिएक्शंस का पार्ट स्टार्ट हुआ, तो मतलब मुझे पता नहीं था हम कर क्या रहे हैं। ऐसी जब तक 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई, तो मतलब मुझे एक भी रिएक्शन पता नहीं थी। अच्छा। जस्ट मैं क्लासेस अटेंड करता था, नोट्स बनाता था, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, इससे काफी बच्चे रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही नोटबुक का रिविजन स्टार्ट किया। अच्छा, अच्छे से, और साइमल्टेनियसली उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ऐसे मैं रिवाइज करते करते गया, शॉर्ट नोट्स के 2-3 रिविजन्स किए, जब थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा सब कुछ, तो उसके बाद मैं एनसीईआरटी पे आ गया। तो एनसीईआरटी के भी मैंने उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स किया, और कोई पॉइंट रहता था जो एनसीईआरटी में था, टीचर ने नहीं बनाया था, वो भी मैं शॉर्ट नोट्स में ऐड करते गया, और साइमल्टेनियसली कोचिंग मटेरियल से क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ऑर्गेनिक की, और फाइनली जो ऑर्गेनिक है वो मेरा आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना। Yes. मतलब वो सब्जेक्ट जो तुम्हें 70% तक आइडिया नहीं था वो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। बिल्कुल, और ये मेरे हिसाब से बहुत कंसिस्टेंट अप्रोच जो रहा तुम्हारा, मेरे हिसाब से वही इसने शानदार फीट को अचीव किया है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑर्गेनिक में मैं बताऊँ तो बुक्स तुमने क्लास नोट्स की बात करी, एनसीईआरटी की बात करी, इसको छोड़ के और कोई बुक? नहीं, मतलब कोचिंग मटेरियल सफिशिएंट था। ठीक है, अच्छा यार केमिस्ट्री में एक चीज़ बताओ, रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या उतना अंदर तक जाके पढ़ना की जरूरत है कोई? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, नीट के लिए तो नहीं है। नीट के लिए नहीं है, जस्ट आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएजेंट प्रोडक्ट क्या है, या बीच में कोई रीअरेंजमेंट वगैरह हो, या कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट वगैरह, जस्ट आपको उतना जानना है नीट के लिए, मतलब काफ़ी होता है उतना काफ़ी। तुमने भी किया उतना ना, कि ऐसा नहीं सर मैंने तो पढ़ लिया मगर नीट के लिए काफ़ी, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैंने उतना ही पढ़ा था। बिल्कुल एंड कमिंग फ्रॉम समवन हू हैव सिक्योर्ड 710, सो टेक दिस एडवाइस नोटेड डाउन, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस पर परेशान और मिसगाइडेड रहते हैं,
और यही हमारा यहाँ पर मोटो है यार कि चीज़ों को जितना क्लैरिटी से जो है वो चीज़ सामने रखना। ओके सो ऑर्गेनिक पे एक और छोटा सा एड ऑन मेरी तरफ से कि प्रैक्टिस को लेकर के कुछ खास रिकमेंड करोगे कि काफ़ी बच्चे ना एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक ए रिएजेंट है, एरो बनाया, ये उसके ऊपर लिखा तुमने, है ना, जो अलग अलग कंडीशंस चाहिए उस रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट लिखा बी, फिर उसमें कुछ और डाला सी बना, एक सीक्वेंस रिएक्शन। तो तुम्हारा कोई ऐसा स्पेशल है, ये मैंने सुना था एक बच्चे से, तो क्या तुम्हारा भी ऐसा कोई अप्रोच है क्या? मतलब अप्रोच नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है काफ़ी ज़्यादा, और एक अच्छा रिसोर्स है इसका एनसीईआरटी, काफ़ी अच्छा ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। ऑर्गेनिक में मैंने इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और बैक एक्सरसाइज भी, मतलब उसमें क्या रहता है, फॉर एग्जांपल ए से बी जाना होता है, बीच में मतलब दो चार चीज़ें बनती है और वो आपको सब खुद सोचना पड़ता है, वैसे आपका काफ़ी अच्छा रिविजन भी होता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। बिल्कुल, कोई बुक रिकमेंड करोगे एज सच कि? नहीं, बुक स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के लिए नहीं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और कोचिंग मटीरियल। अच्छा, डेट्स इट, तो हर में बेस मटेरियल एनसीईआरटी ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, क्या अप्रोच रहा तुम्हारा फिजिकल को इन जनरल बताना? मतलब फिजिकल जब स्टार्ट हुआ था तो मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी यही मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करता था फिजिकल में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड फिर मैंने जो एनसीईआरटी है उसकी भी रीडिंग की, पर्टिकुलरली मैं बताऊँ क्लास 11 से स्टेट्स ऑफ मैटर, वो आपको ज़रूर एनसीईआरटी से करना ही है। और क्लास ऐसा क्यों इस चैप्टर के लिए इतना प्यार अलग से? स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें मतलब काफ़ी अच्छी थ्योरी दी है मतलब, और टीचर आई थिंक वो पूरा कंप्लीट कवर अप नहीं कर पाता है अपने लेक्चर्स में स्टेट्स ऑफ मैटर, बाकी जो चैप्टर्स है वो कंसेप्चुअल है, मतलब उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। और उसके अलावा ट्वेल्थ की जो फिजिकल है वो भी आपको पूरी अच्छे से करनी है एनसीईआरटी से। और बाकी मैंने खुद एन अवस्थी करके एक बुक आती है वो मैंने सॉल्व की थी फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, एन अवस्थी सॉल्व कियो, एनसीईआरटी पढ़े हो और कोचिंग क्लास नोट्स, क्लास नोट्स, ठीक है, डन अंडरस्टैंड। तो हमने फिजिकल पे बात करी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करी, अभी इन जनरल केमिस्ट्री की अगर मैं रिवीजन वर्सेस प्रैक्टिस की बात करता हूँ पेपर से एक दो तीन महीने पहले, तो क्या अप्रोच रहता था केमिस्ट्री को लेकर के? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आई थिंक मोर रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल देन प्रैक्टिस। और फिजिकल में आई थिंक वो बैलेंस चलता है फिजिकल में, फिजिकल में आपको नोट्स भी रिवाइज करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस की इतनी सारी बातें आई हैं, अब चलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर प्रिपरेशन जर्नी में। इस टाइमलाइन में एक जो हमारा एंड फेज आता है या शुरुआत से एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो मॉक टेस्ट की एक अलग लेवल की इंपॉर्टेंस है, फिर चाहे वो पार्ट वाइज मॉक टेस्ट हो, फिर चाहे वो मेजर हो माइनर हो, जैसे अलग अलग चलते हैं अलग अलग कोचिंग्स में। सो तुम्हारे हिसाब से यार मॉक टेस्ट को कैसे फेस करना चाहिए? जब मैं कहता हूँ कैसे फेस करना चाहिए तो इसमें ये भी इंक्लूड होता है, मैं पॉइंट्स इंक्लूड करता हूँ फिर तुम आराम से बताना कि जैसे बेसिक क्वेश्चन क्या है कि सर ये मेरा सिलेबस नहीं हुआ क्या मैं ये मॉक टेस्ट दे दूँ, चार चैप्टर आ रहे हैं मेरा एक चैप्टर नहीं हुआ क्या मैं ये टेस्ट दे दूँ, इस टेस्ट में हो सकता है मेरे कम आ सकते हैं क्या मैं ये टेस्ट दे दूँ, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मन में आते हैं टेस्ट के पहले। तो पहले ये चीज़ बताओ, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बताओ इस फ्रेम में। मतलब मॉक टेस्ट जो है वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जर्नी जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट मॉक टेस्ट, तो अगर आपका सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट नहीं है मॉक टेस्ट के लिए, जस्ट 40% 30% है, तो मतलब कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट देने का। या अगर आपका 70% 80% तक का सिलेबस कवर हुआ है तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना चाहिए। और मॉक टेस्ट में आपको देखना क्या है, आपको जस्ट सीखना है मॉक टेस्ट से, उससे आपको खुद को जज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि मेरे फाइनल एग्जाम में भी इतने ही मार्क्स आएंगे, जस्ट आपको सीखना है मॉक टेस्ट से। आपका मतलब सिलेबस अगर अच्छे से कवर्ड है तो आपको डरना नहीं है, जस्ट आपको मॉक टेस्ट देना है। तो यार उस बच्चे के लिए एक मैसेज देना जिसका कंसिस्टेंटली 500 बिलो स्कोर चल रहा है, कि वो कैसे अपने आप को सेटअप रखे, कि यार अपने आप को फ्रेम रखना कभी कभार मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो वो कैसे अपने आप को सेट रखें? जो फॉर एग्जाम्पल जिसके बिलो 500 आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई गलती कर रहा है, और मेरे हिसाब से जो मतलब उसकी मेन मिस्टेक है वो है उसका सिलेबस प्रॉपरली रिवाइज नहीं है। फिजिक्स में उसने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और बाकी जो बायो में भी उसने काफ़ी ज़्यादा रिविजन्स नहीं किया, सबसे पहले वो चीज़ उसे करेक्ट करनी है, उसके बाद सब ट्रैक पे आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो गलतियाँ पकड़ना बहुत ज़रूरी है ना, कि कहाँ गलती करें, नंबर क्यों कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। मॉक टेस्ट में तुम्हारा लोवेस्ट स्कोर क्या था आज तक? लोवेस्ट स्कोर मेरा 600 रहा है, वो फर्स्ट मॉक टेस्ट था जो क्लास 11th में मैंने पहला ही मॉक टेस्ट दिया था। अच्छा, फिर भी 600 अच्छा ही स्कोर मानते हैं बच्चे, है ना, फिर भी चलो ठीक है, डेट्स फाइन। तो अप्स डाउन स्लो स्कोर, अप डाउन स्कोर चलता रहा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे तुमने? ये मुझे सिलेबस होने तक
और सिलेबस होने के बाद कितना मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी? इलेवंथ और ट्वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे, मतलब एक महीने में दो एग्जाम्स, ठीक है, तो ये चलता था। लेकिन जब फिर एग्ज़ाम नज़दीक आते गए, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं एक वीक में दो एग्ज़ाम्स देता था, उसके बाद फिर एक वीक में तीन एग्ज़ाम्स, ऐसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। और जब फाइनल के आई थिंक 45 डेज रहे थे तो फिर मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता था। डेली एक मॉक टेस्ट देते थे, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। डेली एक मॉक टेस्ट देने के बाद यार, कभी ऐसा किसी मॉक टेस्ट में अगर गिवन में बताऊँ तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर होता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे हिसाब से तुम्हें पेपर की अप्रोच की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाउ यू अप्रोच अ पेपर। तो हाउ टू अप्रोच अ पेपर तुम्हारे हिसाब से, व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू? फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात बताऊं तो टुवर्ड्स द एंड मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की थी। मैं पेपर जो है वो मैं दो बार सॉल्व करता था, ठीक है, लाइक जो फर्स्ट राउंड वो 1 hour 20-30 मिनट्स में हो जाता था, और फिर मैं सेकंड राउंड देता था अलॉन्ग विद ओएमआर फिलिंग, साइमल्टेनियसली मैं ओएमआर फिल करता था। और सिंपली वही पहले मैं बायो अटेम्प्ट करता था, उसके बाद केमिस्ट्री और फाइनली फिजिक्स। तो मतलब ये मेरा चलता था, तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये हर बार शुरू से ऐसा करते थे कि धीरे 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 डेवलप किया तुमने? ये 11 12th में मैं पहले फिजिक्स से स्टार्ट करता था, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायो। लेकिन जब फिर थोड़ा बहुत नज़दीक आते गया तो फिर मैंने मतलब रियलाइज़ किया नहीं ऐसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पहले बायो फिर केमिस्ट्री देन फिजिक्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल फिजिक्स का एक क्वेश्चन और उसी सेम टाइम में बायो के चार क्वेश्चन हो सकते हैं। क्योंकि कभी अब अगर ऐसा पेपर आया आपने फिजिक्स में ही ज़्यादा टाइम दिया तो अब बायो में ज़्यादा क्वेश्चन उससे मतलब रह जाएंगे उसके, तो और हर क्वेश्चन की वैल्यू प्लस 4 ही है, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें यार। लेकिन इस बार का जो पेपर था बायो तो अच्छी आई थी इसमें, और अब की फिजिक्स जो है वो हल्की आई थी थोड़ी। तो इस बार के पेपर में जिन बच्चों ने बायो पहले करा वो बायो में एक एक घंटा दे दिए थे, ठीक है। अभी रिसेंट में ऋषिकेश के साथ हमारा इंटरव्यू था, अभी तुम्हारा बैचमेट है इस बार का, तो उसने बायो का पेपर 20 मिनट में बना लिया। उसमें काफ़ी बच्चे कह रहे थे यार हम तो स्ट्रगल कर रहे थे, तुमने 20 मिनट में बना लिया। तो मुझे ये बताओ यार, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बायो का पेपर लेंथी हो जाए और हम उसी में अटक जाएं, तुमने कितनी देर में सॉल्व किया? मैंने 40 मिनट्स में सॉल्व किया था बायो का पेपर, 40 इस बार का ना, ठीक है, 35-40 मिनट्स लिया तुमने। तो काफ़ी बार पेपर लेंथी आ जाता है ना बायो का, बायो भाई बच्चे का कॉन्फिडेंस वाला चीज़ है, उसके बाद तो पैनिक कर जाता है वो एग्जाम में, और काफ़ी बच्चों के साथ हुआ इस बार ऐसा। तो ऐसे किसी सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए? लाइक जो मतलब पहले से ही माइंड सेट होना चाहिए ऐसा कि पेपर जो है वो बैलेंस्ड आएगा। फॉर एग्जांपल अगर बायो डिफिकल्ट आ रही है तो डेफिनेटली जो दूसरा पोर्शन है वो आसान आने ही वाला है। और बाकी फॉर एग्जांपल बायो डिफिकल्ट आई है तो ये तो हर किसी के लिए डिफिकल्टी आई है। हाँ, तो ये भी पॉइंट है तुम्हारे पास, बिल्कुल। सिंपली जस्ट आपको सॉल्व करते जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ज़्यादा टाइम ले रही है तो ठीक है, आप मतलब कुछ क्वेश्चन जो लंबे लंबे क्वेश्चन स्टेटमेंट 5-6 स्टेटमेंट दिए तो आप उन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत असाइड रख सकते हो, और जो छोटे 1-liner 2-liner क्वेश्चन है तो पहले आप उन्हें ही अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा, अगेन आपका कॉन्फिडेंस फिर से अप हो जाएगा। तो बड़ा बैलेंस है, दिमाग को सॉर्टेड रखना वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, इसमें और कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं आ सकता। सिंपली काम रहना है आपको, बस काम रहना है, ठीक है। तुमने एक बात बहुत आसानी से कही है, सिंपली काम रहा, मुश्किल होता है ये काम, वैसे इवेंचुअली तुमने भी डेवलप किया होगा वैसे, ठीक है। इस बार का पेपर जो था बायो का, मतलब देखो क्योंकि जो लास्ट 2 साल से पेपर आ रहा है वो बायो का ऐसा आ रहा है कि यार बायो तो हो जाएगा, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। तो जब तुमने पहली बार बायो के इस बार के पेपर को अप्रोच किया तो कैसा रहा, मतलब कि यार स्टेटमेंट बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छा पेपर था जेन्युइनली बहुत, तो अप्रोच कैसे किया तुमने पेपर को? जो वैसे स्टेटमेंट्स असर्शन रीजंस वगैरह वो मैं प्रैक्टिस करता था एग्जाम से पहले भी, ऑलरेडी करते थे सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि मुझे मतलब पहले से ऐसा लग रहा था कि इस बार ऐसा होगा। तुम्हें पता तो नहीं था क्या आने वाला है? तो मतलब ऐसा लाइक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उतना आसान पेपर भी वो ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहता है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड था कि एनटीए जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा अप करेगा। तो मतलब पहले से ही पता था लाइक इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, और वही मैं पेपर दो बार करता था, जब मैं एक क्वेश्चन दूसरी बार करता था तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ ये अब सही हुआ होगा। ये बताओ, तुम कहते हो पेपर दो बार तुम करते थे, पहली बार में 1 hour 20 minutes में तुमने कर लिया पेपर, तो 1 hour 20 minutes में सारे क्वेश्चन हो जाते थे? मतलब सारे क्वेश्चन, कभी मतलब एक या दो क्वेश्चन रहते थे जो इक्का दुक्का रहता था, लेकिन मेजॉरिटी हो जाते थे। मुझे ये बताओ 1 hour 20 minutes में पेपर कैसे करते थे? अच्छा, हाँ ये सब पूछेंगे तो मैंने पहले ही पूछ लिया ऑन बिहाफ ऑफ यू गाइस। हाँ बताओ। सिंपली मतलब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड फास्ट करनी है। कैसे यार? ये तो बहुत डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। कैसे आपको करना है, आपको अगेन मल्टीपल रिविजन, जितना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में होंगी उतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ती है आपको स्ट्राइक होगा कि आंसर क्या होने वाला है।
और फिजिक्स में क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे इंस्टेंटेनियसली उसका प्रोसीजर आपके दिमाग में आना चाहिए। सिंपली मैं ऐसा कहूंगा, आपने वैसा क्वेश्चन किया होना चाहिए, उतनी अच्छा। ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ओके, तो अल्टीमेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ठीक है। और बताओ, मैं टेक अवेज नोट डाउन कर रहा हूँ, मल्टीपल रिवीजन, अल्टीमेट प्रैक्टिस, और कुछ प्रैक्टिस, और बस, और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप कोशिश कीजिए कि आप तेज तेज सॉल्व करने की कोशिश करें। तेज तेज में यार गलतियाँ बहुत होती हैं, गलतियाँ होती है, उसके लिए आपका सेकंड जो है राउंड वो अच्छा बैकअप तुमने निकाल रखा है, उस में जो एरर्स वो आराम से रेक्टिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा गलतियों की बात कर रहे थे तो एक चीज़ थोड़ा बताना, ये एक सिली मिस्टेक एक बहुत खतरनाक कैटेगरी है, सर नॉट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, हाउ मेनी आर करेक्ट में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, नॉट इनकरेक्ट आ गया कभी, ऐसी गलतियों को कैसे मिनिमाइज किया जाए मॉक टेस्ट में? मतलब ऐसी गलतियाँ हर किसी से होती है, बट मेरा क्या था, मैंने कैसे खुद रिड्यूस की थी, वो यही स्ट्रैटेजी थी, दो बार पेपर सॉल्व करना। तो और बाकी जो फॉर एग्जांपल नॉट करेक्ट वगैरह, इनकरेक्ट वगैरह, उनको आप अंडरलाइन कीजिए या एनसर्कल कीजिए। और एक चीज़, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, या फॉर एग्जांपल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो क्वेश्चन है उसके सामने आपको टिक लगानी है। तो फिर चार स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, जो करेक्ट है उसके सामने टिक, जो गलत है क्रॉस, तो ऑड वन अल्टीमेटली मतलब आउट ही हो जाएगा। तीन पे क्रॉस लगाया, एक पे टिक लगे, तो सिंपली वो मतलब ऐसे भी रिड्यूस हो सकती है आपकी सिली मिस्टेक। तो तुम मार्किंग करके तुम्हारी आदत थी वो करने की, लेकिन होती तो थी सिली मिस्टेक्स भर भर के। होती थी, ये करके भी होती, लेकिन आपको जस्ट कोशिश करनी है अवॉइड करने की। फाइनली आई थिंक फाइनल एग्जाम में तो नहीं होता है, मेरे हिसाब से बेस्ट रहे, हो जाता है अपने आप, हो जाता है अपने आप। ये बस डर होता है स्टूडेंट को कि ऐसा कहीं ऐसा फाइनल एग्जाम में ना हो, लेकिन नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, नहीं, आई एम जस्ट लविंग द वे कितना ऑनेस्टली तुम चीज़ों को पुट अप कर रहे हो। अब हम चलते हैं एग्जाम से एक महीने पहले, सारा प्रेशर जो है कंपाउंड होकर के आ चुका है अल्टीमेट लेवल पर। तो यार ये प्रेशर टैकलिंग के बारे में थोड़ा मुझे समझाओ कि इस प्रेशर को मैनेज कैसे किया जाए। मतलब मैंने पहले से अपना एक पाथवे बनाया था, मैंने टारगेट्स बनाए थे कि अब मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। यहाँ से मैं मॉक टेस्ट भी देता था, उनमें स्कोर भी ठीक रहता था, तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ठीक था। और यही फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स में रखा था कि सारे फार्मूला शीट्स मुझे इस टाइम पे रिवाइज करने हैं। अच्छा। मतलब एक पर्टिकुलर डेट रखा था मैंने, वैसे ही केमिस्ट्री में भी इस चीज़ का रिवीजन करना है, बायो में भी। इसमें मैं एक मिनट हल्का सा इंटरप्ट करूँगा, सो सॉरी, तुमने ये टाइम फ्रेम और डेट्स की बात करी, एक चीज़ ये भी ऐड करो इसमें कि कोई टाइम टेबल भी रखते थे क्या कि मैं इतने बजे आज सो के उठूंगा और इसके बाद मैं वॉक पे जाऊंगा? नहीं ऐसा टाइम टेबल नहीं, बट मैं डेली के टारगेट्स बनाता था, ये मैं ऐड करना चाह रहा था। ठीक, डेली टारगेट्स, लाइक फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में, बायो में, जो मैंने वीकली या मंथली टारगेट्स बनाए थे वो इसी के साथ मतलब मैं रखता था, फॉर एग्जाम्पल, ताकि उस टाइम तक ये हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग मेरे डेली टारगेट्स रहते थे। ओके, तो फिर जब ऐसी लाइक 15 डेज रहे एग्जाम में, तो फिर मैंने कुछ माइक्रो टारगेट्स बनाए, फॉर एग्जांपल पूरी बायो में 5-6 टॉपिक्स ये मुझे रिवाइज करने हैं, ऐसी फिजिक्स में तुम भूल रहे थे। अच्छा, और ऐसी लाइक फिजिक्स में एक चैप्टर था सेमीकंडक्टर, उसके मुझे शॉर्ट नोट्स फिर रिवाइज करने पड़े बिफोर 3 or 4 डेज ऑफ एग्जाम। तो फिर ऐसे ही मैं लास्ट में करता था, और यहाँ से मॉक टेस्ट भी कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब ये सब कंपाउंड करते करते पेपर से एक दिन पहले चलते हैं। तो पेपर के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा सब कहते हैं, लेकिन यार जो स्टूडेंट का मन है ना वो नहीं मानता, एक बार देख लेते हैं, है ना। तो क्या कर रहे थे पेपर से एक दिन पहले? तो मैंने जस्ट 17 जुलाई को एग्ज़ाम था, 16 जुलाई को मैंने 2 बजे तक पढ़ा था, लाइक दोपहर दो बजे। क्योंकि उस 16 जुलाई की 2 बजे से अप टू 17 जुलाई एक टाइम फ्रेम रहता था 24 आवर्स का, उसमें अच्छा। मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। तुम टेक्निकल हो गए इसके ऊपर पूरी तरह कि पेपर से 24 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो ये मतलब मेरा अपना था, किसी कोई और पढ़ भी नहीं, दिस इज कम्प्लीटली योर स्टोरी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बजे तक मैंने क्या रखा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिस्टेक नोटबुक भी बनाई थी जो, अच्छा इस पर एलाबोरेट करना थोड़ा सा। तो एक सेकंड पहले मैं ये कंप्लीट, आराम से तो मिस्टेक नोटबुक्स मैंने रिवाइज की थी, और फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक लाइक पर्टिकुलरली बॉटनी में जिम्नोस्पर्म्स रहता था एक टॉपिक, वो मैंने कवर किया। ऐसे ही मैंने 2 बजे तक पढ़ा, और जस्ट फिर मैंने उसके बाद रिलैक्स किया, और फिर रिवाइंड टू एग्जाम डे ऑफ टॉपर्स वो 2-3 वीडियोस मैंने देखे। ये हमारे सीटीडब्ल्यूटी की जो होते हैं। अच्छा, किसका वीडियो देखे थे तुम? मैंने भाविक बंसल सर का देखा था, उनका।
और भी एक दो अभी मुझे याद है। बाबे के लिए वेरी हैप्पी है ना। हाँ ठीक है चलो ग्रेट ग्रेट। तो रिवाइंड टू एग्जाम डे से क्या सीखा तुमने? ये हमारा आई एम रियली ग्लैड कि ऐसे सेक्शंस कितने अच्छी तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। क्या सीखा तुमने, व्हाट अबाउट द मेजर टेक अवेज? मतलब उससे मैंने फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मैं आराम से एग्ज़ाम देने गया, जैसे मैं पिछले मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहा था सेम वैसे ही मैंने नीट में भी अच्छा किया। तो मेरे पास भी मतलब मैंने भी अपने मॉक टेस्ट में अच्छा किया था, तो अब यही एक्सपेक्टेशन थी कि मैं नीट में भी अच्छा करूँगा। उससे भी काफ़ी कम्फर्ट हुआ, मतलब बिल्कुल वो पैनिक सिचुएशन वगैरह नहीं हुई जैसी होती है स्टूडेंट्स को यूजुअली 1 or 2 days बिफोर द एग्ज़ाम। तो फिर फ़ायदा ही आया उससे। ओके तो अब शॉर्ट ये मिस्टेक नोटबुक्स, तो बिफोर 2 months ऑफ एग्ज़ाम मैंने एक सेपरेट नोटबुक रखी थी। जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था उसको मैं फिर एनालाइज करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कोई क्वेश्चन आपका सीधा गलत हो वो उसमें नोट डाउन हो जाता था, या तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में जिसमें आप डबल माइंडेड रहते हैं एग्जाम में, और फॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, तो वैसे क्वेश्चन लग जाता है तो वैसे क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है। और जो सेक्शन बी में चॉइस होती है आपकी 15 में से 10 करने, वो 5 questions पर्टिकुलरली वो भी मैं अच्छे से देखता था, क्योंकि वो वही 5 questions है जिनके साथ आप उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं थे। बिल्कुल। तो हाँ ऐसे में या मिस्टेक होती थी वो सब मैं फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट के नीचे ये मेंशन करता था। तो फिर आफ्टर जस्ट लाइक 3 days या 5 days तो वो मिस्टेक नोटबुक जो है वो मैं फिर रिवाइज करता रहता था, सच दैट वो मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना हो आगे के मॉक टेस्ट में। दैट्स जेन्युइनली वेरी ग्रेट। अच्छा एक और चीज़, अगर मान लो कि कोई बच्चा बहुत मिस्टेक कर रहा है, मिस्टेक कॉपी बहुत बड़ी बन जाती है कुछ बच्चों की जो शुरू से मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो उनके लिए भी कोई टिप्स हैं क्या? तो उनके लिए मतलब इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं तो सिंपली लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जो मिस्टेक्स हो वो रिड्यूस हो जाएंगी। और फिर उन मिस्टेक्स से भी आप रेक्टिफाई कीजिए। मेन क्या है, फॉर एग्जांपल जो आपके दिमाग में आए ही ना उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है राइट, आप ऐसा सोचते कि हाँ हाँ ये तो दिमाग में आता मेरे, तो वो आप उस पर मेंशन मत कीजिए। अब कोई क्वेश्चन उसका टोटली आपको आइडिया ही नहीं है, तो आप वैसे क्वेश्चन अपने मिस्टेक कॉपी पर डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ अ वेरी जेन्युइन पॉइंट कि जो हम ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं उन चीज़ों को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो इसके साथ हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले के पार्ट को वाइंड अप करते हैं। पेपर के दिन पर आते हैं, वो 3 घंटा 20 मिनट है ना, लिटरली बताऊँ कि पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड बट दिस पीस ऑफ पेपर एक्चुअली डिसाइड्स विच कॉलेज यू आर गोइंग टू, सो दिस क्रिएट्स एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो उस 3 घंटे 20 मिनट में नो पैनिक नो प्रेशर, काफ़ी बार ये होता है ना, बहुत हाई होप्स बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे थॉट्स आते हैं दिमाग में है ना, तो ऐसे कोई सिचुएशन को पेपर के टाइम पर टैकल करने को लेकर के क्या एडवाइस है तुम्हारा? लाइक सिंपली बात आती है कॉन्फिडेंस की। लाइक जब मैं 2 से देख रहा था कि वो पेपर्स ला रहे, तो ऐसे लगा था कि इस पेपर के लिए मैंने 2 साल वेट किया है, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे दिमाग में ख्याल आया मैंने बस वेट नहीं किया, मैंने प्रिपेयर भी किया है। बहुत अच्छी बात, सिंपली वो जो डर है सारा वो ख़त्म हो जाता है। तो बाकी फॉर एग्जांपल मेरा मतलब अपना टारगेट था 700+ जाने का। लाइक जब मैं पेपर देख रहा था काफ़ी लेंथी आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर 700+ नहीं आएगा तो मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। तो फिर जो इमीडिएट चेंज ऑफ प्लान्स किया था तुमने पेपर, इमीडिएट चेंज ऑफ प्लान्स नहीं, जस्ट वो थॉट दूर करने के लिए समझा, मैंने काम किया माइंड को। तो फिर मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करते गया, लेकिन पेपर के बाद जब मैं बाहर आया तो ऐसा लग रहा था कि लाइक 680-690 स्कोर होगा, उससे ज़्यादा स्कोर नहीं होगा। लेकिन फिर जब मैंने वो की वगैरह चेक की तो उस पर 710 आ रहा था। अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई जनरली लव दिस पार्ट ऑफ योर्स कि तुम इतने ज़्यादा सॉर्टेड हो। ओके सो अभी तक हमने सारी टाइमलाइन की बात करी, प्रिपरेशन के सारे टाइम फ्रेम की बात की, तुमने बहुत सॉर्टेड होकर के हर चीज़ को आंसर दिया। अब हम चलते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड राउंड के ऊपर, ठीक है, दिस इज़ द अल्टीमेट CTWT रैपिड फायर। तुमने देखे होंगे क्योंकि तुम ऑलरेडी बताओ यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल, सो हम इस पे आते हैं। अब इसमें मैं तुम्हें कुछ बहुत फटाफट सवाल पूछने वाला हूँ और तुम्हें बहुत फटाफट उसके जवाब देने, तो ऑल सेट? ठीक है चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस CTWT रैपिड फायर नाउ। पहला सवाल है ना, सो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? नाइट चेंजेस। अच्छा, एंड विच एक्टिविटी यू लाइक टू डू मोस्ट व्हेन स्ट्रेस्ड? व्हेन स्ट्रेस्ड सिंपली मैं मतलब ऐसे ही बैठा रहता हूँ, काम करता हूँ अपने आप को, या सिंपली आई यूज मोबाइल फोन। अच्छा, एंड वन पर्सन यू रिलाई ऑन द मोस्ट? वन पर्सन यू रिलाई मदर।
मम्मी से. अच्छा ओके. एंड समथिंग दैट यू वांट टू बाय नेक्स्ट 5 इयर्स. पर्टिक्युलर देखो इतना सोचने का समय नहीं मिलता. ऐसा कुछ सोचा है तुमने? नो सर ऐसा कुछ नहीं. ठीक है कोई बात नहीं. अ हॉलीडे यू वांट टू क्रिएट? कहीं हॉलीडे पर कहीं घूमने वूमने जाना चाहो या कोई अलग से वेकेशन? अभी ऐसा सोचा नहीं है. अच्छा ठीक है. तुम ऑलरेडी यार इतनी अच्छी जगह से आते हो जहाँ सब हॉलीडे पे जाते हैं, है ना? तो ऑलरेडी खूब खूब सॉर्टेड. ठीक है. प्लेस यू वांट टू विजिट आउट ऑफ इंडिया? प्लेस यू वांट टू विजिट यूएस. अच्छा ऐसा कोई स्पेसिफिक चॉइस रीजन? फॉर मेडिसिन आई थिंक. अच्छा इसी को लेकर के एज ए कैरियर. ठीक है. एंड अ फूड यू वांट टू ट्राई? फूड पर्टिक्युलर ऐसा कुछ नहीं. तो मुझे इसमें ये बताओ दिल्ली का खाना कैसा लगा पहले ये बताओ. ये मैं छोटा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ रैपिड फायर में. हाँ ठीक है. मतलब काफ़ी अलग है जो. काफ़ी अलग है. अच्छा लगा कि? हाँ ठीक है. अच्छा ठीक ठाक है. अच्छा मतलब मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो. ठीक है. एंड एनी मूवी विच इंस्पायर्स यू? एनी मूवी? ओके हाउस MD इज अ वेब सीरीज. वेब सीरीज ओके. एंड अ सुपर पावर यू वॉन्ट टू आस्क? सुपर पावर लाइक जो भी मैं कोई भी वर्ड में रीड करूँ जस्ट वो मुझे याद रहे. यार ये तो अल्टीमेट चीज़ तुमने मांग ली. दैट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट. और इतने शानदार आंसर्स के लिए एक गिफ्ट है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए. एंड बेस्ट विशेस टुमार होल टीम एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. ठीक है ये तुम्हारा ही आराम से रखो. ठीक है ना. हाँ एक छोटा सा सेक्शन और होता है यहाँ पर दैट इज टैगर टॉपर. तो तुम्हारा कोई फ्रेंड जिसकी स्टोरी कुछ ऐसी हो जो हम सबको इंस्पायर कर सके तो उसे यहाँ पर टैग करो. दिस इज अ टैगर टॉपर सेक्शन. कोई भी फ्रेंड तुम्हारा जिसने इस साल नीट अटेम्प्ट किया और उसे हम अगले इंटरव्यू में यहाँ पर लेकर के आए और उसकी स्टोरी को जाने. मेरा एक ऐसा फ्रेंड है मोहम्मद अरीब. उसके भी 685 मार्क्स है. इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है उसके बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम पढ़ता था. बट एक चीज़ क्या है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है. फॉर एग्जाम्पल वो जस्ट 2-3 आवर्स दिन में पढ़ता था और फाइनली उसने एक काफ़ी अच्छा स्कोर अटेन कर पाया. तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है उसके बारे में. ओके सो बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले इंटरव्यूज में यहाँ पर उसको बुलाएं और जाने कि कम पढ़ के ज़्यादा कैसे सीखें, है ना? बिल्कुल से. ओके सो बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू यार एक मैसेज फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट जो भी आने वाले ईयर्स में नीट देने वाले होंगे उन सभी के लिए तुम्हारा एक मैसेज. जो मतलब पर्टिकुलरली उनके लिए एडवाइस है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें. मतलब कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है. जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतने ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. और कंसिस्टेंसी का मतलब मैं सिंपल बताता हूँ. जो आप एक दिन कर रहे हो वही आपको मतलब टाइम टू टाइम डेली करते रहना है. फॉर एग्जांपल रिविजन्स, मॉक टेस्ट या आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी और फाइनली जो आपको रिजल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे. So this brings us to the end of this another amazing episode at CityWT. I hope you absolutely loved it. You got to know a lot. आपको कैसा लगा? आपके कोई और सवाल हो और कोई भी फीडबैक हो और इसके लिए कोई और मैसेज हो तो डू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो को सब तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज ओनली ऑन CityWT. लेट्स क्रैक इट.